आज हम लोग ब्लॉक वाडर्फ नगर के ग्राम पंचायत सुसुली में आए हुए हैं और यहाँ पे कृषि विभाग बलरामपुर के द्वारा, उप संचालक श्री अजयनंद सर के द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर ब्लैक राइस का खेती कराया जा रहा है। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ब्लैक राइस का अभी फिलहाल इसको बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये शुगर और कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें शुगर का मात्रा कम पाया जाता है, तो इस कारण से लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। और इससे क्योंकि बहुत सारे मरीज ठीक भी होते हैं। और यहाँ पर वाडर्फ नगर में 5 किसानों के द्वारा ब्लैक राइस का खेती किया जा रहा है। तो हमारे एक किसान है जिनके यहाँ ब्लैक राइस का खेती होता है, तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये जानकारी इनको कहाँ से मिला ब्लैक राइस के बारे में, और आइडिया कैसे आया और कैसे इन्होंने ये निश्चय किया कि यहाँ पर ब्लैक राइस का खेती करना चाहिए। तो आपको ये ब्लैक राइस के बारे में सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया या फिर जानकारी आपको कहाँ से मिला? सर, हमारे गांव के जो आर्यु हैं श्री भूपेश कुमार गुप्ता जी, उन्हीं के द्वारा हमको समझाइश देकर ब्लैक राइस के बारे में हमको मोटिवेट किया गया कि जो ब्लैक राइस की जो खेती है इसको पहले छोटे पैमाने पे ट्रायल करके मतलब देखिए, फिर यदि आपको अच्छा लगता है तो फिर बड़े पैमाने पे। अभी ट्राई कर रहे हैं आप, तो बहुत कम क्षेत्रफल में कर रहे हैं, तो ये कितना डिसमिल में आप अभी खेती कर रहे हैं इसका? ये करीब एरिया 40 डिसमिल के आसपास है। तो ये बताइए कि ये जो धान का जो किस्म है ये कितने दिनों का है आपका? सर, इसमें एक वेराइटी है 120 दिन का है सर। हाँ। और एक वेराइटी है 135 दिन का और एक 110 दिन की वेराइटी है सर। ठीक है, तो इसका आपको क्या लग रहा है, आप ब्लैक राइस जो खेती कर रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में? सर, ब्लैक राइस की जो फायदा के बारे में सर क्या है कि इसमें आने वाले समय में सर जो शुगर के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए लाभदायक है। और इसका जो मार्केट वैल्यू है सर 300 से 500 रुपये प्रति किलो। हाँ, प्रति के जी। हाँ, मार्केट में मतलब डिमांड है इसका। डिमांड है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कुंता राम। तो आप बताइए ब्लैक राइस के बारे में सबसे पहले कहाँ से जानकारी मिला आपको? जी सर, मेरे को श्री भूपेश पटवा द्वारा किसी विस्तार अधिकारी द्वारा मेरे को जानकारी दिया गया। हाँ। कि एक पर साल मैं इन्हीं से लिया था अभी। हाँ। तो अच्छा मेरे को प्रॉफिट मिला। हाँ, पिछले बार में जो वीडियो जो बनाया था, जी सर DRR 42 पिछले बार। इस बार सलाह दिए कि आप इस धान को एक बार कमा के तो देखिए, इससे जो है किसान की आय भी दुगुनी होगी और इसको जैविक खेती के माध्यम से करना है। अच्छा जी, ठीक है। तो आय दुगना जैसे बता रहे हैं कि हो जाएगा, तो मतलब कैसे होगा इसका? कीमत ज्यादा है? हाँ, कीमत ज्यादा है सर। कीमत बताए कि इसके ब्लैक राइस जो है महंगा बिकता है, धान भी इसका महंगा बिकता है, चावल भी महंगा बिकता है। तो क्या कीमत है पता है कुछ इसका बाजार में? बाजार में भाई अब इनके द्वारा बताया गया कि 400 कम से कम 400 350 रुपये के जी चावल इसका बिक्री होगा। तो अभी ये जो ब्लैक राइस है जी, इसका आपको कुछ पता है क्या फायदा है खाने से? हाँ, ये बताया कि जैसे शुगर वगैरह डायबिटीज हो गया, ऐसे कुछ अनेक बीमारियां का जो है कि फायदा ही चावल को खाने से। अच्छा, तो इस तरह से मतलब अगर ब्लैक राइस का खेती अगर किसान लोग करते हैं जी, तो उनका जो आय है वो बढ़ेगा। जी बढ़ेगा सर, क्योंकि इसका कीमत ज्यादा है। ज्यादा है जी। ठीक है, फिर कितने में लगा रहे हैं आप ब्लैक राइस? मैं तो सर 1 किलो अभी दिए हैं, बोले हैं 45 डिसमिल के। हाँ, 40-45 डिसमिल के खेत में लगाना है। हाँ, अगर इस बार आपका अच्छे से होता है जी, तो और अगले बढ़ा साल देंगे। कितने का प्लानिंग है? एकाध एकड़ कर देंगे। एकाध एकड़ या उससे भी ज्यादा? इससे भी ज्यादा हो जाएगा जी, अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो कर देंगे। कौन से विधि से इसको लगाना है? श्री विधि के। श्री विधि जी बताया, श्री विधि। तो श्री विधि में इसको लगाएंगे। चलिए, तो पूरी तरह से जैविक है? जी जैविक है सर, इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालना है। बताया कि रासायनिक खाद नहीं डालना है इसमें। चलिए, जैविक विधि से। जी अरे, श्री भूपेश गुप्ता सर के द्वारा जानते हैं कि यहाँ पर जो ये खेती करवा रहे हैं ब्लैक राइस का, इसके बारे में इसका जो लाभ क्या है और इसका मार्केट में क्या वैल्यू मिलेगा और क्या सोच कर यहाँ पर किसानों के द्वारा खेती करवा रहे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो बताइए सर कि इसका क्या फ़ायदा है इसको, या फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका क्या लाभ है, ये बता दीजिए। प्रार्थना परिचय देता हूँ। मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भूपेश कुमार गुप्ता, जिला बलरामपुर। ये क्या है ब्लैक राइस के बारे में, हम लोग पिछले साल ही प्लानिंग किए थे कि कुछ किसानों के यहाँ लगवाएंगे,
लेकिन पिछले साल किसी कारणवश बीज उपलब्ध नहीं हो पाया, तो हमारे कृषि विभाग के उप संचालक श्री अजय कुमार आनंद सर के प्रयास से इस साल हम लोग इसमें बीज को लाने में सफल हुए हैं और अभी हम लोग जो है वाटर नगर विकासखंड के 5 किसानों के यहाँ इसको लगवा रहे हैं। और इसको लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मार्केट में इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये से 500 रुपये के जी यदि हम इसका जैविक कराते हैं किसान से, तो 500 रुपये के जी तक हम इसका चावल बेचेंगे, तो उससे क्या होगा कि किसान का इनकम बढ़ेगा और जो है पौष्टिक दृष्टि से भी ये बहुत लाभकारी है। और जो ब्लैक राइस है इसमें कैंसर और शुगर का एंटीऑक्सीडेंट एक कंपाउंड पाया जाता है जिसके कारण शुगर और कैंसर का रोग नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में है और फाइबर भी इसमें अच्छा है, ज़्यादा है, और इसमें हमारा ग्लूकोज और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में है जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। इस चावल को यदि कोई व्यक्ति लगातार खाता है तो उसका मोटापा भी घट जाता है और डायबिटीज जैसे बीमारी में बहुत हेल्पफुल है। तो अभी हम लोग जो है अभी प्रदीप कुमार पटवा जी के खेत में इसको 40 डिसमिल में अभी हम लोग यहाँ करा रहे हैं और दूसरे गांव में भी हम लोग इसको करा रहे हैं। तो इनके अलावा चार और किसान के यहाँ करा रहे हैं, सियाही और अपना बेलसर में कुछ किसानों के यहाँ हम लोग करा रहे हैं। तो ये जो ब्लैक राइस का वैरायटी है कितने दिन का है जो सामने में? ये हम लोग अभी 3 वैरायटी मंगाए हैं इसको, आसाम से 3 वैरायटी मंगाए हैं। इसमें एक 135 दिन ड्यूरेशन का है जो कि महीन चावल है और इसमें सुगंध भी है। और एक वैरायटी हमारा बड़ा लंबा दाना है जो कि मोटा किस्म है और उसका चूंकि हाइट बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी हम लोग 3 वैरायटी ट्रायल में डाल रहे हैं। अब इसमें जो सबसे अच्छा होगा उसको हम अगले साल किसान को देंगे, कराएंगे। अभी जो भी हम 5 किसान के यहाँ करवा रहे हैं इससे हमको भरपूर मात्रा में बीज मिल जाएगा और अगले साल हम करीबन 40-50 किसान के यहाँ लगभग 50 हेक्टेयर में टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगले साल हम इसको लगवाएंगे। तो इसमें कौन कौन सा खाद या फिर कौन कौन सा हम पूरा जैविक डलवा रहे हैं। हम किसान के यहाँ जो है वर्मी कम्पोस्ट का टाका बनवाए हैं और वर्मी बेड भी दिए हैं, तो हमारा जो वर्मी बेड से जो केचुआ खाद तैयार हो रहा है हम जो है उसी खाद के इसमें डलवा रहे हैं। और इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए पूरा मैनुअल कराएंगे, कोई भी वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हम इसमें नहीं होने देंगे, मतलब पूर्ण रूप से जैविक है। इसमें कोई भी रासायनिक केमिकल या खाद का इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो गुण है वो गुण फिर नहीं रहेगा, इसमें खत्म हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू इसका फिर कम हो जाएगा। जो हम 500 रुपये किलो बेचेंगे सोचे हैं बेचने का, वो फिर हम 200-250 रुपये ही बेच पाएंगे। हाँ, चूँकि ये ट्रेडिशनल वेराइटी है, कोई हाइब्रिड या उस टाइप से नहीं है, तो इसमें कीड़ा बीमारी भी कम लगना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं इस साल क्या होता है इसका रिजल्ट। ये अभी हम इसको SRI विधि से लगवा रहे हैं। इसमें भी हम आज 12 दिन का पौधा इसको रोपवा रहे हैं, है ना, 12 दिन का पौधा को हम रोपवा रहे हैं और ये पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच है और लाइन से लाइन भी 8 इंच में हम इसको लगवा रहे हैं।